जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कई लोग कहते हैं हम अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं, जैसा करना चाहते हैं, वैसा होता नहीं है। अक्सर हम सबके लाइफ में ऐसा होता है, जैसा हम सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दुखी होते हैं, सैड होते हैं, सोचते हैं हम जैसा चाहते हैं वैसा क्यों नहीं होता, बहुत दुखी रहते हैं। आइए आज हम सभी एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी श्रवण करते हैं और जानते हैं कि जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, हम क्यों दुखी होते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े सेठ जी थे। उन्होंने विचार किया, मैं आज अपने घर में ब्राह्मण को भोजन कराता हूँ। अपने गुरुजी के पास में गए, गुरुजी के पास में जाकर के गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी आज मैं अपने घर में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहता हूँ, आप कृपया करके हमारे घर में भोजन के लिए पधारें। गुरुजी ने कहा, देखिए सेठ जी, मैं तो आपके घर में आज नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि आज जो है मेरा व्रत है, इसलिए मैं आपके घर में भोजन नहीं कर पाऊँगा। कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, मैं अपने दो शिष्य को भेजता हूँ। ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए जैसे गुरुजी ने कह दिया, सेठ जी बड़े खुश हो गए और अपने घर में चले गए। खूब बढ़िया तैयारी किए, बड़ा सुंदर भोजन बनाए, और जैसे गुरुजी ने अपने शिष्य को भेजा, गुरुजी के दो शिष्य भोजन के लिए सेठ जी के घर में चले गए। सेठ जी ने बड़े भाव से, श्रद्धा से भोजन कराया, सुंदर आसन लगाया और भोजन परोसा, स्वयं ने परोसा और भोजन कराया। और उसके बाद में जब भोजन करा लिया, उसके बाद में दक्षिणा दे करके ब्राह्मण को दक्षिणा दिया और विदा करते हैं। जैसे सेठ जी ने ब्राह्मण को भोजन कराया और विदा करते हैं, उसके बाद जो दो चेला थे, दो शिष्य थे, अपने गुरुजी के आश्रम में जा रहे थे। लेकिन एक चेला बहुत ज़्यादा दुखी था, एक बहुत ज़्यादा खुश था। गुरुजी ने अपने शिष्य को देखा, बड़े गौर से देखा और पूछा, बेटा क्या हो गया? दोनों चले गए थे, एक खुश हो और एक दुखी हो, कारण क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ? गुरुजी ने जैसे पूछा, एक चेला कहता है, गुरुजी हम सेठ जी के घर में भोजन करने के लिए गए, जो दुखी था वो बोल रहा है, भोजन करने के लिए चले गए, मुझे लग रहा था कि सेठ जी बहुत बड़े अमीर हैं। भोजन कराने के बाद हमने सोचा था इतने अमीर से कम 10 रुपया तो दे देंगे, लेकिन ये क्या, उन्होंने तो सिर्फ 2 रुपया दिया, इसलिए मैं दुखी हूँ, मुझे 10 रुपये के आस था लेकिन सिर्फ 2 दिया, दोनों को 2-2 रुपया दिया। और दूसरा बालक जो था वो कहता है, गुरुजी सेठ जी ने भोजन बढ़िया कराया और आसन भी बहुत सुंदर लगाया, और मुझे लग रहा था भोजन कराने के लिए बुलाए हैं, भोजन कराएंगे और हमें भेज देंगे, लेकिन उन्होंने तो दक्षिणा भी दिया, 2-2 रुपया दिया, दक्षिणा भी दिया। ये जो खुश है, इनको लग रहा था कि सेठ जी सिर्फ भोजन करके करा के भेज देंगे, लेकिन दूसरा जो दुखी था उसके मन में था कि 10 रुपया देंगे, सिर्फ 2 मिल गए, ज़्यादा पाने की आस में आज ये निराश हो गया। इससे हमें जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलती है, हम हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो हमने विचार बनाया होता है, ऐसा मिलेगा तो ऐसा करूँगा, वो होता नहीं है, तो हम सैड होते हैं, हम दुखी होते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी आस मत करें, जो व्यक्ति ज़्यादा आस करता है ना, वो हमेशा निराश ही होता है, इसलिए आस ना करें। भगवान ने जो दिया, आपके कर्म, आपने जो कर्म किया उसका फल जो मिला, उसी में प्रसन्न रहें। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, वही खुशी है, वही इस संसार में सुखी है। इसलिए आस ज़्यादा ना करें, जितना बन पाए उतना कार्य करें और हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें। खुश रहने का
सबसे बड़ा मंत्र यही है, आप ज़्यादा आस ना करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। आप सभी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो श्रवण करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा को, और हर दिन ऐसे ही वीडियो श्रवण करें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।